कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। यह धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे। क्या हनुमान जी मिले थे श्री कृष्णा से? कहां थे हनुमान महाभारत के युद्ध के समय? क्या हनुमान का कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा आदि पुरुष में? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। रामायण और महाभारत हिंदू माइथोलॉजी की वो एपिक स्टोरीज जिसे इंडियन पब्लिक ने लाखों हजारों बार देखा, बड़े बुड्ढे और बच्चों ने सभी ने देखा और सुना है, और अब ये बड़े पर्दे पर आने वाला है। हम बात कर रहे हैं मैग्नम ओपस फिल्म आदि पुरुष की। अपने बिग बजट और इतनी बड़े स्केल की फिल्म होने के कारण इस फिल्म का बॉलीवुड में काफी बज है, और हो भी क्यों ना, आखिर बात रामायण जैसी एपिक की हो रही है जिसे लोगों को इमोशंस जुड़े हैं। हिंदू धर्म के दो महान ग्रंथों से ये एक ग्रंथ बना है जो कि हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। तो दोस्तों, आज भी लोग जब अच्छाई की धर्म की बात करते हैं तो राम राज्य के उदाहरण दिया जाता है, एक ऐसे राज्य जहां सभी सुख समृद्धि के रहें और जहां धर्म और न्याय का पालन हो। हर साल दिवाली और दशहरा मनाते हैं, श्री राम के लंका विजय और अच्छे से बुराई पर जीत की हासिल मनाते हैं। ये हमारी संस्कृति एक अभिमान हासिल किया है, पर शायद कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो कि अभी सही नहीं पता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो फैक्ट्स। आपको ये तो पता है कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। रामायण में भी उनके मृत्यु के बारे में कोई भी लेख नहीं लिखा है, यानी हनुमान जी आज भी जिंदा है। और आपके मन में भी आया होगा कि अगर हनुमान जी श्री राम के अवतार के समय हैं, तो वे श्री कृष्णा के अवतार के समय और महाभारत के समय कहाँ थे? तो श्री कृष्णा ने द्वापर युग में भी अपने परम भक्त हनुमान को नहीं बुलाया था। श्री कृष्णा हनुमान जी से मिले भी थे, पर हनुमान तो हनुमान ठहरे। उन्होंने श्री कृष्णा को अपना आराध्य माना और इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो श्री राम के भक्त ठहरे थे। और बता दें, महाभारत के समय अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ताकि उन्हें रथ की रक्षा हो सके। रावण खुद श्री हरि विष्णु के भक्त थे। दरअसल पिछले जन्म में रावण श्री हरि विष्णु के बैकुनाथ का द्वारपालक थे। ये श्री राम की लीला ही थी जिसके लिए उन्होंने देवी सीता को अग्नि देव को सौंप दिया और उसको बदले सीता को छवि देके सीता से बदल दिया, जिसके वजह से सीता हरण संभव हो पाया और आखिर में अपनी परीक्षा द्वारा देवी सीता को वापस भी पा लिया। तो ये थे कुछ फैक्ट्स रामायण के बारे में। क्या आदि पुरुष में ये सब भी मिलेगा देखने को? क्या आदि पुरुष में मिलेंगे हमें एक बार देवी देवताओं के भी रूप? ये तो वक्त ही बताएगा। हमें बताएं रामायण का कौन सा कैरेक्टर है जो आपका फेवरेट है, इनमें से किनके फैक्ट्स आपको मालूम है अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।